दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नागियास लर्निंग अड्डा पर। जैसे कि अपन लोग बात कर रहे थे RTE की, RTE की विभिन्न धाराओं की बात कर रहे थे अपन, तो यहाँ पर आज मैं आपको उन्हीं धाराओं के बारे में बताऊंगा। हमारा टॉपिक था RTE, इट मीन्स राइट टू एजुकेशन। और आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ RTE की धाराएं, जितनी भी धाराएं हैं उन सब की उल्लेख आज अपन इस क्लास में करेंगे। अपने को पता है कि आरटी के जो हैं अध्याय कितने हैं, अध्याय तो हैं सात, सात अध्याय हैं और 38 धाराएं हैं। ये सात अध्याय और ये 38 धाराएं, तो 38 की 38 धाराओं की तो बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कितनी, इधर थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, 38 धाराएं, 38 धाराएं और सात अध्याय, इन सब की बात आज अपन इस क्लास में करने वाले हैं। तो क्या कहती हैं ये धाराएं, अपने सीधे इन पर आते हैं। सबसे पहली धारा जो है उसमें क्या कहा गया है, धारा नंबर एक में इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है। धारा यहां पर ये धाराएं हैं, ठीक है, ये धारा वन में अधिनियम का संक्षिप्त नाम है। क्या है दोस्तों, संक्षिप्त नाम, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विस्तार और आरंभ, विस्तार और आरंभ, ये चीजें जो हैं इस धारा एक में है, इसमें हमें ये बताया गया है। इसका संक्षिप्त नाम, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आपको पता है क्या है, आरटीई, फुल नेम है राइट टू एजुकेशन, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो धारा एक में कोई खास इंपोर्टेंट बात नहीं लिखी हुई है। फिर हम धारा टू पर आते हैं, धारा दो जो है इस धारा में क्या कहा गया है। मैं आपको डेली, ज्यादा नहीं, 10 धाराओं के बारे में आपको मैं डेली बताऊंगा। तो यहां पर हम सेकंड जो धारा है इसकी, उसकी बात करें कि सेकंड धारा में क्या बात कही गई है। तो दोस्तों सेकंड धारा जो है इसमें परिभाषाएं हैं, परिभाषाएं, आज हैंडराइटिंग थोड़ी सी साफ नहीं आ रही है तो आप समझें, परिभाषाएं। अब दोस्तों ये परिभाषाएं, धारा सेकंड जो है इसमें किसकी परिभाषाएं, धारा एक में तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विस्तार और आरंभ है, धारा सेकंड में क्या है, धारा सेकंड में परिभाषाएं हैं। लेकिन ये परिभाषाएं किसकी, किसकी परिभाषाएं हैं, तो मैं आपको बता दूं, यहां पर सबसे पहले बात करें तो यहां पर परिभाषा है समुचित सरकार की, यहां पर परिभाषा है समुचित सरकार की। समुचित सरकार क्या होती है, इसकी डेफिनेशन जो है यहां पर इस धारा सेकंड में दी गई है। और उसके बाद किसकी परिभाषा दी गई है, समुचित सरकार किसको कहते हैं, और दूसरा अधिनियम किसको कहते हैं, अधिनियम, अधिनियम क्या होता है, ये इसकी परिभाषा भी धारा टू में ही है, धारा दो में है। इसके बाद ये कहा गया है कि आंगनवाड़ी, क्योंकि बच्चा जब पढ़ाई शुरू करता है, जिसको अपन प्री नर्सरी, LKG, UKG क्लासेस कहते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, और सरकारी स्कूलों के संबंध में ऐसे बच्चे आंगनवाड़ी में जाते हैं, तो ये आंगनवाड़ी क्या है, इसकी परिभाषा दी गई है। और इसके अलावा चौथे नंबर पर आता है कि यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी की बात की गई है यहाँ, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, ये भी धारा दो में है। और उसके बाद ई नंबर पर है कि छात्र शिक्षक संक्षिप्त अभिलेख, क्या है, छात्र शिक्षक संक्षिप्त अभिलेख, छात्र और शिक्षक संक्षिप्त अभिलेख, संक्षिप्त अभिलेख, ये भी धारा दो के अंदर ही है। और उसके बाद आगे अगर हम पहुंचे तो आगे और इसमें क्या दे रखा है, इसमें आगे दे रखा है कि विद्यालय योजना का निर्माण, विद्यालय योजना क्या है, यहाँ पर अगली डेफिनेशन अपन को पढ़ने को मिलती है, विद्यालय योजना क्या है। इसके
ये जो जितनी भी डेफिनेशंस हैं ये धारा दो में दी गई है, परिभाषाएं हैं। तो यहां पर दोस्तों आप समझ लो कि धारा एक जो है इसमें तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है, विस्तार है और आरंभ है। धारा दो जो है इसके अंदर परिभाषाएं दी गई हैं। परिभाषाएं किसकी? समुचित सरकार की परिभाषा, अधिनियम, आंगनवाड़ी, जिला शिक्षा अधिकारी, छात्र शिक्षक संक्षिप्त अभिलेख और विद्यालय योजना, ये सारी चीजें जो हैं किसमें दी गई है? धारा दो में। उसके बाद धारा तीन की बात करते हैं। धारा तीन, अब इसको विस्तार से समझने की जरूरत नहीं है। समुचित सरकार अपने को पता ही है, समुचित सरकार किसको कहा जाएगा? समुचित सरकार का मतलब तो कोई भी सरकार हो सकती है। अधिनियम का मतलब ये जो अधिनियम बना है वो अधिनियम है, उसको अधिनियम कहते हैं। तो इसमें इनकी परिभाषाओं से ना तो रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, ना अपन को इनके ऊपर कोई ज्यादा विशेष फोकस करना है। अब आते हैं हम दोस्तों धारा तीन पर। ये धारा तीन क्या कहती है? ये बताती है धारा तीन कि निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, निशुल्क एवं अनिवार्य, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, निशुल्क और अनिवार्य का शिक्षा का अधिकार किन बच्चों को? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क और शिक्षा के अधिकार की बात करती है धारा तीन। इसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक माता पिता जो है वो निकटतम विद्यालय में अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का जो है उनका कर्तव्य है, और 6 से 14 वर्ष के बच्चे को जो है शिक्षा पाना अधिकार है, ये धारा तीन में कहा गया है। उसके बाद हम पहुंचते हैं धारा चार में। इस धारा चार में क्या कहा गया है? धारा चार कहता है कि यदि कोई बालक जो है 6 से 14 वर्ष से अधिक आयु का भी है लेकिन वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर चुका है, प्रारंभिक शिक्षा उसने ग्रहण नहीं की है, तो और वो किसी विद्यालय में जाता है प्रारंभिक शिक्षा के लिए, तो वह विद्यालय उसको शिक्षा देने से मना नहीं कर सकता। हालांकि वो 6 से 14 वर्ष का से अधिक आयु का हो चुका है लेकिन उसने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त नहीं की है, तो ये संबंधित विद्यालय का फर्ज होगा कि वो जो है उस बालक को शिक्षा दे, उसको मना नहीं कर सकता। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा, यहां पर देखो विस्तार से ये कहा गया है कि इस धारा के अनुसार यदि कोई बालक 6 वर्ष से अधिक आयु का है और विद्यालय में प्रवेश लेना चाहे तो उसे पहली कक्षा में नहीं बल्कि उसकी आयु के आधार पर उसको एडमिशन देना है। उसकी मान लो कि वो कोई बच्चा है भाई, 2016 से पहले जो था ना, पहली कक्षा में अगर प्रवेश लेना है तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए थी? 6 वर्ष होनी चाहिए थी, लेकिन 2016 में संशोधन हो गया था। 2016 में संशोधन हुआ कि अब 5 साल का बच्चा जो है ना वो पहली कक्षा में एडमिशन लेगा। 2016 में ये संशोधन हुआ है। और मान लो कि वो बच्चा जो है 6 वर्ष से अधिक आयु का है और वो अगर प्रवेश लेना चाहे तो विद्यालय उसे मना नहीं कर सकता, उसका प्रवेश उसको लेना पड़ेगा, विद्यालय मना नहीं कर सकता। नहीं कर सकता किस विद्यार्थी को? विद्यालय मना नहीं कर सकता जो 6 से 14 से अधिक आयु का है तो भी, लेकिन उसने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त नहीं किया तो विद्यालय उसको मना नहीं कर सकता, उसको विद्यालय में एडमिशन देना ही पड़ेगा। तो ये बात धारा चार में कही गई है। उसके बाद ये भी कहा गया है कि अन्य बालकों के बराबर उसको लाने के लिए उसको विशेष शिक्षा देने की भी आवश्यकता होगी, अन्य बालकों के समान, अन्य बालकों के समान, अन्य बालकों के समान लाने के लिए उसके लिए विशेष व्यवस्था भी विद्यालय को करनी पड़ेगी, चाहे उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास हो, कैसे भी करके सामान्य बालकों के बराबर उसको लाना पड़ेगा। ये भी इसके तहत आता है, धारा चार के तहत आता है। और अगर वो 14 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, उसकी 14 उसको भाई निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम तो कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चे को ही जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। मान लो वो 14 वर्ष से अधिक हो गया, 14 वर्ष से अधिक हो गया है
लेकिन उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं हुई है, तो उसको 14 वर्ष के बाद भी, 14 वर्ष से अधिक हो गया है तो 14 वर्ष के बाद भी उसको प्रारंभिक शिक्षा जो देने का दायित्व है वो संबंधित विद्यालय का है। समझ रहे हैं आप बात की, उसने लेट पढ़ाई शुरू की है, अब मान लो कि वो 5वीं क्लास में पहुंचा है और वो 15 साल का हो गया, तो उसको 8वीं क्लास तक की शिक्षा देनी ही पड़ेगी चाहे वो 20 साल का हो गया है। तो 14 वर्ष का हो गया, और विद्यालय ऐसे नहीं कह सकता कि भैया तू 14 साल का हो गया तो 6 से 14 साल का ही के लिए अधिनियम बनाए, ऐसा नहीं कर सकता विद्यालय। 14 वर्ष से अधिक आयु का होगा तो भी उस विद्यालय को, उस बालक को अपने विद्यालय में रखना पड़ेगा, उसको शिक्षा देनी पड़ेगी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है वो धारा 4 में कही गई है। तो उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अब हम धारा 5 की बात करते हैं कि धारा 5 में क्या कहा गया है। धारा 5 में आपको ये सारी 38 की 38 धाराएं बताऊंगा, इसकी किस धारा में क्या कहा गया, बस आप सुंदर से नोट्स बनाते रहें, शॉर्ट में इसको लिखते रहें। यहाँ पर समुचित सरकार या अधिनियम, आंगनवाड़ी, जिला शिक्षा अधिकारी, तो इसकी मैं परिभाषा नहीं लिखा रहा, हालांकि इसकी भी परिभाषाएं हैं। ये जो आपको नोट्स हैं मैं बता रहा हूँ, सरकार का जो गजट प्रकाशित किया था उस गजट में जो बातें बताई गई थी वो बातें बता रहा हूँ। उसमें समुचित सरकार की परिभाषा भी दे रखी है, अधिनियम भी दे रखा है, आंगनवाड़ी क्या होती है, जिला शिक्षा अधिकारी किसको कहते हैं, ये सारी चीजें हैं, लेकिन अपने को ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा ये, और इससे मेरे ख्याल से क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। क्वेश्चन जो बनेगा वो ऐसी अच्छी अच्छी बातें जो, हालांकि पूरे आरटी में अच्छी बातें हैं, लेकिन जो हमें लगता है कि इम्पोर्टेंट हो सकता है वो बता रहा हूँ आपको। तो धारा 4 इम्पोर्टेंट है कि बालक 14 वर्ष से अधिक आयु का भी है तो विद्यालय उसको मना नहीं कर सकता। पहले जो है शिक्षा प्रारंभ करने की आयु 6 वर्ष थी, अब जो है इसको 5 वर्ष कर दिया है। अब धारा 5 में क्या है, धारा 5 में है कि अन्य विद्यालय में स्थानांतरण हेतु जो विद्यालय है किसी बालक को टीसी देने से मना नहीं कर सकता, टीसी देने से मना नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता, ठीक है। धारा 5 में ये कहा गया है कि कोई विद्यालय किसी बालक को अन्य विद्यालय में स्थानांतरण हेतु टीसी के लिए, उसको टीसी देने से विद्यालय मना नहीं कर सकता, ये बात कही गई है धारा 5 में। तो दोस्तों एक बार मैं आपको फिर रिपीट करवा दूं कि हम आरटीई की धाराएं पढ़ रहे हैं, और आरटी में कुल 7 अध्याय हैं और 38 धाराएं हैं, और 38 की 38 धाराएं हमें पढ़नी है। धारा नंबर 1 में हम इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ के बारे में जानते हैं। धारा नंबर 2 में परिभाषाएं दे रखी हैं कि समुचित सरकार क्या है, अधिनियम क्या है, आंगनवाड़ी क्या है, जिला शिक्षा अधिकारी क्या है, छात्र शिक्षा संक्षिप्त अभिलेख क्या होता है, विद्यालय योजना क्या होती है, ये सारी बातें जो है इसमें दे रखी है, ये सारी बातें दे रखी हैं धारा 2 में। उसके बाद धारा 3 में क्या है, धारा 3 में ये कहा गया है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाना 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक का अधिकार है, ये उसका अधिकार है और ये उसको मिलना ही चाहिए। धारा 4 में ये कहा गया है कि अगर बालक 6 से 14 वर्ष की आयु से अधिक भी हो गया, 14 वर्ष से ऊपर भी हो गया है, तो कोई भी विद्यालय उसको प्रवेश देने से मना नहीं कर सकता, जब तक उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं होगी विद्यालय उसको मना नहीं कर सकता। और चूंकि उसने लेट शिक्षा प्रारंभ की है तो ऐसे बालक को अन्य बालकों के समान लाने के लिए विशेष व्यवस्था भी विद्यालय को ही करनी पड़ेगी। कितनी सुंदर बातें इस आरटीई में कही गई है, लोगों को पता नहीं है। और अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप प्लीज जो गरीब तबके के लोग हैं जिनको इस अधिनियम के बारे में पता नहीं है उनको जरूर गाइड करें, उनको जरूर बताएं, आपको बहुत सारी चीजें और भी पता चलेंगी यहाँ पर कि इस आरटीई ने जो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार जो है कितनी बढ़िया बढ़िया बातें कर रखी हैं, लेकिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, इसलिए वो शिक्षा से उनके बच्चे वंचित रह रहे हैं। तो आप शिक्षक होने के नाते उनको जरूर बताएंगे ये बातें अधिनियम की, और ये बातें कब पता चलेंगी, आपको 38 की 38 धाराएं पता होनी चाहिए। तो धारा 5 तक मैंने आपको बता दिया कि टीसी देने से भी विद्यालय मना नहीं कर सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, धारा नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों,
अब हम बात कर रहे हैं यहां पर धारा नंबर 6, धारा 6। धारा 6 में क्या बात कही गई है? धारा 6 में एक आ गया है कि इस धारा में समुचित सरकार और स्थानीय अधिकारी के क्या कर्तव्य हैं, उनके कर्तव्यों का वर्णन है। समुचित सरकार वे स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य धारा 6 में समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी जो हैं उनके इस अधिनियम को लेकर क्या कर्तव्य है, उनकी बात यहां पर कही गई है। अब दोस्तों क्या कर्तव्य होंगे, तो मैं इन कर्तव्यों को थोड़ा सा अलग कलर से बताना चाहूंगा। पहला कर्तव्य के ये है कि यह अधिनियम जब लागू होता है, ये कहता है कि निर्धारित दूरी पर विद्यालय की स्थापना होनी चाहिए, या हम कह सकते हैं कि निर्धारित दूरी पर विद्यालय होना चाहिए। अब ये निर्धारित दूरी से क्या अर्थ है? निर्धारित दूरी ये है कि कक्षा एक से लेकर 5वीं तक का जो बच्चा है उसके घर से जो पैदल दूरी है वो 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर स्कूल होना चाहिए, और इसका दायित्व तो समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी का होगा। पैदल दूरी 1 किलोमीटर। और जो कक्षा 6 से 8 के बच्चे हैं, कक्षा 6 से 8 के बच्चे जो हैं इनका जो विद्यालय होगा वो घर से 2 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। अब विद्यालय नहीं है तो समुचित सरकार उसको बनाए, समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी जो है, स्थानीय प्राधिकारी सरकार को सूचना दे कि भाई इतनी दूरी पर ये विद्यालय नहीं है, तो तत्काल से वहां पर विद्यालय की स्थापना की जाए। ये दायित्व समुचित सरकार का है, ये कर्तव्य है उस स्थानीय प्राधिकारी का। और मान लो कि कोई बालक विद्यालय आने में असमर्थ है, जैसे विकलांग बालक है कोई, अगर वो विद्यालय आने में असमर्थ है, क्या है? विद्यालय आने में असमर्थ है, विद्यालय में आने में असमर्थ है, तो फिर क्या हो? आने में असमर्थ, थोड़ा सा पेन यहां पर साथ है, कम दे रहा है। विद्यालय में आने में असमर्थ है अगर कोई बालक, विकलांग बालक है या किसी भी शारीरिक कारण से असमर्थ है, तो फिर क्या किया जाए भाई? अब मान लो घर भी उससे, विद्यालय भी उसके 1 किलोमीटर दूर है, तो फिर वो बालक क्या करे? तो दोस्तों ये समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी का दायित्व होगा कि उसको लाने ले जाने की व्यवस्था करे। कितनी बढ़िया बात है ये, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपका ही ये दायित्व है, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आप ऐसे लोगों को जरूर गाइड करें कि आपके आरटीई के तहत आपके पास कितने अधिकार हैं। अगर विद्यालय में आने में वो समर्थ असमर्थ है बालक, मैंने यहाँ पर समर्थ लिखा है, असमर्थ है, तो वो उस स्थानीय अधिकारी और समुचित सरकार का दायित्व होगा कि वो उसको विद्यालय तक लाए। इसके लिए क्या होगा? अगर एक तो ये, और या फिर वो विद्यालय 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है या 2 किलोमीटर की अधिक दूरी पर है, फिर समुचित सरकार क्या करे? अधिनियम तो ये कहता है कि 1 किलोमीटर दूरी पर हो, 1 से 5 और 6 से 8 2 किलोमीटर दूरी पर हो। अगर ये 2 से ये दूरी ज्यादा होगी तो फिर सरकार क्या करे, स्थानीय प्राधिकारी क्या करे? तो फिर ऐसी दूरी के लिए आपको ट्रांसपोर्ट का पैसा उस बालक को देना पड़ेगा। क्या शानदार बात की गई है। ट्रांसपोर्ट का मतलब आने जाने का जो खर्चा लगेगा ना उस बालक का, उसका पैसा सरकार को, उस विद्यालय को, उस बालक को देना पड़ेगा। अब कितना देना पड़ेगा? उपस्थिति के आधार पर देना पड़ेगा। 1 से 5वीं तक का बच्चा है तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, या जो 6 से 10 है उसको कितना देना पड़ेगा? अगर 1 से 5वीं क्लास का बच्चा है, 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर विद्यालय है, तो ₹10 प्रति उपस्थिति दिवस, प्रति
उपस्थिति दिवस के हिसाब से बालक को वाउचर दे होगा। और 6 से जो 14 साल के बच्चे हैं, सॉरी 6 से 8वीं क्लास के तो जो बच्चे हैं उनको ₹15 प्रति उपस्थिति दिवस के हिसाब से उनको जो है ट्रांसपोर्ट वाउचर दिया जाएगा। लेकिन प्रति उपस्थिति जिस दिन वो आए हैं, जितने दिन वो आए हैं उतने दिन, मान लो कि एक बच्चा सप्ताह में 3 ही दिन आया है और कक्षा 1 से 5 का है और स्कूल उसका 1 किलोमीटर से दूर है, तो फिर ऐसे बच्चे को ₹10 के हिसाब से 3 दिन के ₹30 मिलेंगे। और ऐसे ही 6 से कक्षा से लेकर 8 तक का बच्चा जो 3 ही दिन आया है तो 15 45 रुपये मिलेंगे। जितने दिन वो आया है उसके हिसाब से उसको ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो सरकार को देना होगा। और इसको सुनिश्चित करने का काम कौन करेगा? इसको सुनिश्चित करने का काम जो है उस स्थानीय प्राधिकारी का है, समुचित सरकार का है। तो ये बात भी लोगों को पता नहीं है, तो जो है लोगों को इससे नुकसान होता है। स्कूल दूर होता है तो बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, जा नहीं पाते। तो जो आरटीई जिस कारण से बना था कि ड्रॉप आउट कम हो, बच्चे स्कूल कम छोड़ें, तो वो चीज़ तो जस की तस है, क्योंकि ना तो ये बात लोगों को पता है और ना ही आप लोग शिक्षक जो हो वो बताओगे, या बताना चाहिए आपको। अगर आप शिक्षक मनो कम से कम आप तो बताना, जो पहले शिक्षक हैं बता रहे कि नहीं बता रहे क्या पता, लेकिन आप जरूर बताएं। तो उसके बाद दोस्तों हम धारा नंबर 7 की बात कर लेते हैं। मैंने आपसे वादा किया कि मैं आज आपको धाराएं 10 बताऊंगा और डेली 10 बताऊंगा, क्योंकि एक साथ 38 बताएंगे तो वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा और आप भी बोर हो जाओगे। अब हम धारा नंबर 7 की बात करते हैं कि धारा नंबर 7 में क्या कहा गया है। इस धारा में जो है वित्तीय अनुपात की बात कही गई है, वित्तीय अनुपात। अब ये जो अधिनियम है इसमें खर्चा तो आएगा भाई, ये खर्चा कौन भरेगा? तो दोस्तों ये वित्तीय अनुपात जो है वो कितना रहेगा, केंद्र और राज्य सरकार का, केंद्र और राज्य सरकार का कितना अनुपात रहेगा? तो केंद्र तो इसमें 60% पैसा देगा और 40% जो है वो राज्य देगा। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वित्तीय अनुपात की बात जो है वो धारा नंबर 7 में कही गई है। तो ये धारा नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट बन रही है। और उसके बाद दोस्तों आती है धारा 8। कौन सी धारा आती है जी? 8 धारा आती है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि समुचित सरकार, ये जो समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी के करते हुए थे ना, यहां पर इन कर्तव्यों को थोड़ा सा और बढ़ाया गया है। यहाँ पर सिर्फ प्राधिकारी नहीं है, स्थानीय प्राधिकारी नहीं, सिर्फ समुचित सरकार जो है उसके कर्तव्य की बात यहाँ पर कही गई है, वो चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। तो यहाँ पर आपको एक तो विद्यालय किससे संबंधित कुछ बातें हैं वो भी धारा 8 में बताई गई है कि विद्यालय में शौचालय का जो है उपयोग होना चाहिए, विद्यालय में शौचालय होना चाहिए, और दोपहर का जो भोजन है उसकी सही सी व्यवस्था होनी चाहिए, पेयजल होना चाहिए, पीने का अच्छा जल होना चाहिए, शौचालय अच्छे साफ सुथरे होने चाहिए, और जो अलग अलग जातियों के बच्चे पढ़ते हैं उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें जो है वहाँ का विद्यालय प्रशासन और समुचित सरकार का कर्तव्य होगा। अगर इस तरह की कोई छुआछूत की, भेदभाव की कोई सूचना मिलती है तो फिर वहाँ के स्थानीय अधिकारी जो है सरकार को इसकी सूचना देंगे और उस विद्यालय के संस्था प्रधान पर तुरंत कार्रवाई करने का आदेश देंगे। ये सारी चीजों को जो है वहाँ पर धारा 8 में डिस्कस किया गया है, ठीक है। और उसके बाद आगे धारा नंबर 9, धारा नंबर 9 और 10, इन दो धाराओं में किसकी बात कही गई है चलिए देखते हैं। यहां पर धारा 9 जो है, अब ऊपर हमने ये पढ़ी ना धारा 6 में समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी दोनों के कर्तव्य थे, यहां पर धारा 8 में विद्यालय से संबंधित सारी बातें थी। और धारा नंबर 9 में क्या था? ये था कि प्रत्येक बालक को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, 6 से 14 साल के प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, इस बात का स्थानीय प्राधिकारी जो है वो ध्यान रखेंगे। स्थानीय प्राधिकारी इस बात का ध्यान रखेंगे 6 से 14 साल के प्रत्येक बच्चे को जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। और उस जो है
विद्यालय के लिए भवन निर्माण के लिए स्वीकृति देना, उसके फर्नीचर के लिए स्वीकृति देना, ये सारी चीजें भी इस धारा में डिस्कस की गई हैं। अब मैं दोस्तों लास्ट बता देता हूँ आपको, धारा आज की 10, धारा 10 में क्या कहा गया है। धारा 10 में अभिभावकों या माता पिताओं के कर्तव्य बताए गए हैं। अभिभावक किसके कर्तव्य बताए गए हैं? अभिभावक या फिर माता पिता, अभिभावक या माता पिता के कर्तव्य, अभिभावक या माता पिता के जो हैं वो कर्तव्य यहाँ पर धारा 10 में डिस्कस किए गए हैं। तो आज की इस क्लास में ये 10 धाराएं कंप्लीट होती हैं। आप इन 10 धाराओं को एक बार फिर पढ़ें और वीडियो को जो है अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर किया करें, और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आपको बता दूं कि पूरा एजुकेशन मैनेजमेंट जो कि फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आएगा, और साइकोलॉजी मनोविज्ञान जो आएगा फर्स्ट ग्रेड में, वो पूरा का पूरा जो कोर्स है मैं आपको निशुल्क इसी चैनल पर कराऊंगा। आप बस आप जुड़िए रहिए, डेली की क्लास का आनंद लीजिए। आप जितने भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं सभी बच्चों को वीडियो को शेयर करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोग देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग देखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कमेंट करोगे, तो वीडियो बनाने में जो मेहनत है ना वो और दुगनी हो जाएगी और मज़ा भी बहुत आएगा। तो इसलिए एंजॉय कीजिए।